अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर रिलेशन मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर रिलेशन। क्या ख्याल है? बिफोर गोइंग टुवर्ड द स्लाइड्स, आप अपने दिमाग को ज़रा एक बार स्कैन करें। आपके ख्याल में एम्प्लॉय रिलेशंस का कल्चर के साथ कोई लिंक है? डिफरेंट कल्चर्स में एम्प्लॉय रिलेशंस क्या डिफरेंट तरह के होते हैं? अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, तो ज़रूर आपको ये चीज़ फील होगी कि यस ऑफ कोर्स, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ कल्चर्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ जगहों पे वो बड़ा इनफॉर्मल होता है, बॉस और उसका सबॉर्डिनेट इकट्ठे बैठे गप्पे मार रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो वर्क टाइम आता है तो फिर वो दोबारा से वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बन जाते हैं। कुछ जगहों पे बेशक वो दिन है या रात है, खाने का वक्त है या काम का वक्त है, बॉस इज ऑलवेज बॉस एंड एम्प्लॉय इज ऑलवेज एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट। अब क्या है ये कल्चर का डिफरेंस है? फिर उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी कल्चर का डिफरेंस होता है। सीनियर और जूनियर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हर वक्त सामने रखा जाता है। लाइक अगर हम जो हमारी मिलिट्री है उसके अंदर देखें तो उनका कल्चर क्या है, सीनियर और जूनियर के दरमियान एक स्पेसिफिक डिफरेंस रखा जाएगा हर वक्त। लेकिन अगर हमारी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर देखा जाए, लाइक कोई टीचिंग है, टीचिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर जो पावर डिस्टेंस है कि सीनियर और जूनियर के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो वहाँ पे कम होगा। तो एक चीज़ तो हमें समझ आई कि नेशनल कल्चर और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये दोनों अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस को। तो इससे पहले हम देखते हैं कि कल्चर है क्या। कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ह्यूमन नॉलेज, बिलीफ एंड बिहेवियर दैट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी फॉर सिम्बॉलिक थॉट एंड सोशल लर्निंग। बड़ी मुश्किल और बुकिश डेफिनेशन है, सिंपल आप इसको रखें, हमारी सकाफत क्या है, हम किन चीज़ों पे सारा मुआशरा पसंद करता है किन चीज़ों को, और किन चीज़ों को सारा मुआशरा नापसंद करता है। तो अब आप देखेंगे इस सिंपल एग्जांपल को, इस सिंपल डेफिनेशन को अगर आप सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल हमारी सोसाइटी में वाइडली एक्सेप्टेड होती हैं और बहुत सारी चीज़ें वाइडली अनएक्सेप्टेबल होती हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग फिर भी उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन उनको कभी भी पसंद नहीं किया जाता, तो वो बेसिकली हमारा कल्चर होता है। द सेट ऑफ शेयर्ड एटीट्यूड, अब देखिए शेयर्ड एटीट्यूड जो सारे लोगों के अंदर होता है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, गोल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, दैट करेक्टराइजेज एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। एक इंस्टीट्यूशन के दरमियान, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप के दरमियान जो शेयर्ड चीज़ें होती हैं, जो सारे लोग जिनको कॉमनली टेक कर देते हैं, उसको भी हम कल्चर का नाम देते हैं। तो कॉरपोरेट कल्चर क्या है? अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ शेयर्ड बिलीफ्स। अब पहले क्या था, नेशनल लेवल की बात हो रही थी या बड़े लेवल की, अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप की बात हो रही है। शेयर्ड बिलीफ्स एंड वैल्यूज दैट लीड टू नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर मेंबर ऑफ दैट कल्चर। अब देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेट आना कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, लेट आने का वो कहते हैं कि इट्स हाईली अनएथिकल है, ये हाईली अनलाइकली है कि हमारे यहाँ पे कोई शख्स लेट आ रहा हो और जल्दी चला जाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे सेट किए हुए हैं, हमारा चेक एंड बैलेंस इतना स्ट्रांग है कि लोग वक्त पे ही आते हैं, और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आप वहाँ पे चले जाएं, लेट आना कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है उनके लिए, वो नॉर्मली वो डेली बेसिस पे उनका हाफ ऑफ द स्टाफ दे अपीयर लेट। इट्स द ग्लू दैट होल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। ये एक बेसिकली ग्लू होती है जो लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखती है थ्रू शेयर्ड अजम्पशंस, बिलीव्स एंड प्रोसेसेस। इन शॉर्ट इट स्पीक्स टू हाउ थिंग्स आर डन हियर। सिंपली ये इस सवाल का जवाब होता है कि हमारे यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, इसका जवाब जो है वो कॉरपोरेट कल्चर होता है, हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। हाउ थिंग्स आर डन हियर, यहाँ हमारे यहाँ पे काम किस तरह मुकम्मल किए जाते हैं, तो
इसका जवाब क्या है हमारा? कॉर्पोरेट कल्चर। तो अब कल्चरल डायमेंशन में, एक कल्चर को समझना हो तो उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। हॉफस्टेड साहब ने उसकी 5 डायमेंशन दी हैं कि किसी भी मुल्क को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आपने कल्चर को स्टडी करना हो तो 5 पैरामीटर्स पे आप उनको अलग अलग देखें। सबसे पहले पावर डिस्टेंस इंडेक्स, PDI, पावर डिस्टेंस के हम, व्हाट इज द पावर डिस्टेंस हेयर। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर्स में, हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में, हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में पावर डिस्टेंस होता है कि एक शख्स पावरफुल है, एक शख्स पावरफुल नहीं है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, या एक बॉस है, एक सबॉर्डिनेट है। दैट इज द एक्सटेंट टू विच द लेस पावरफुल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। दिस रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी but defined from below, not from above. It suggests that a society's level of inequality is endorsed by the followers as much as by the leaders. अब हम देखें कि power distance, एक power जो है वो equally divided नहीं है। कुछ managers हर चीज़ decide कर रहे हैं और employees कुछ भी decide नहीं कर पा रहे। तो लोग इसको tolerate करते हैं कि यार it's okay, management जो है वो ये सारा कुछ कर रही होती है तो हम क्या कर सकते हैं इसको। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं भाई शेयर्ड लीडरशिप होनी चाहिए, हमें भी डिसीजन मेकिंग के अंदर पूरा रोल प्ले करने की इजाज़त दी जाए। तो पावर डिस्टेंस कैसे होती है? फिर इंडिविजुअलिज्म, अकेला रहना वर्सेस एक ग्रुप में रहना, ऑन द वन साइड वर्सेस इट्स ऑपोजिट। एक या तो ये इंडिविजुअलिज्म हो सकता है या ये कलेक्टिविज्म हो सकता है। That is the degree to which individuals are integrated into groups on the individualist sides. Societies in which the ties between individuals are loose, everyone is expected to look after him or herself and his or her immediate family. बस individualistic एक society होती है जिसमें कहते हैं कि भाई मैं और मेरी family, that's it, बाकी सारे लोग जाएं बाहर में, मुझे किसी की कोई गर्ज नहीं है। मेरे हमसाये में क्या हो रहा है, मेरी लोकेलिटी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। कोई अमीर है तो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई गरीब है तो उसका पर्सनल इशू है। ये है इंडिविजुअलिटी। और उसके साथ कलेक्टिविज्म क्या है? ऑन द कलेक्टिविस्ट साइड, सोसाइटीज इन विच पीपल फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव इन ग्रुप्स ऑफन एक्सटेंडेड फैमिलीज विच कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग देयर protecting them in exchange for unquestioning loyalty. अब collectivist societies क्या होती हैं? Like Pakistan, like our subcontinent families, हमारे यहाँ पर हर चीज़ collectively deal होती है। बड़ी बड़ी families होती हैं, हर चीज़ shared में की जाती है, हम एक दूसरे को उनकी बात को मानते हैं, उनका हर शख्स का दूसरे पर एक तरह का एक power होती है, या उसको कह सकते हैं हम। तो ये हमारी कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ होती है। ये भी कल्चर की एक डायमेंशन है कि कुछ सोसाइटीज़ हैं वो इंडिविजुअलिस्ट है टोटली, उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी मर्जी से हर चीज़ डील कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स। और कुछ कलेक्टिव सोसाइटीज़ होती हैं, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। मैस्कुलाइन हम कहते हैं मर्दाना, और फेमिनिनिटी जो हमारी फीमेल साइड है। तो अब कुछ सोसाइटीज़ में ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स बिटवीन द जेंडर विच इज़ अनदर फंडामेंटल इशू फॉर एनी सोसाइटी। कि भाई किस तरह रोल्स असाइन किए जाने हैं, क्या औरतों के लिए कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं वो वही करेंगी, या हर जॉब में वो इक्वली आ सकती हैं। द IBM स्टडीज रिवील दैट वुमेन्स वैल्यूज डिफर लेस अमंग सोसाइटीज देन मेंस वैल्यूज। और मेंस वैल्यूज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंटेन अ डायमेंशन फ्रॉम वेरी असर्टिव एंड कंपेटिटिव एंड मैक्सिमली डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स वैल्यूज ऑन द वन साइड to modest and caring and similar to women's values on the other. तो अब यहाँ पे basically बात क्या है, putting things simply, masculinity versus femininity, कि क्या हमारे यहाँ पे सड़कों पे कारें तो चला सकती हैं औरतें, बसें चला सकती हैं, ट्रक चला सकती हैं? नहीं। Although it's that much easy to drive as it's to drive a car, लेकिन क्यों नहीं? Because हमारे यहाँ पे ये कल्चर डेवलप नहीं है। तो बेसिकली कल्चरल dimensions में हम मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी को देखते हैं, तो इसमें ये पता चलता है कि कुछ रोल्स कुछ जेंडर्स के लिए असाइन कर दिए गए हैं, वो उनसे बाहर नहीं जा सकती, सोसाइटी का एक प्रेशर है, और बाकी सारे के सारे रोल्स जो है वो मैस्कुलिनिटी साइड्स को असाइन कर दिए गए हैं। इसी तरह कुछ जॉब्स
विमेन के लिए असाइन कर दी गई हैं और बाकी सारी की सारी जॉब्स मेन के लिए असाइन कर दी गई हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज में ऐसा नहीं है, बाकी बहुत सारी दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहां पे कोई भी काम दोनों जेंडर में से कोई भी कर सकता है। फोर्थ डायमेंशन क्या है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस डील्स विद द सोसाइटीज टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी। कि भाई एक सोसाइटी में अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी से कैसे टॉलरेट किया जाता है, क्या वो उसको पसंद करते हैं कि भाई अनसर्टेन जॉब हो लेकिन अच्छा खासा पैसा हो, या एक सोसाइटी वो कहते हैं यार थोड़ा पैसा हो लेकिन पक्की नौकरी हो, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन किस सोसाइटी में पसंद की जाती है? इट इंडिकेट्स टू व्हाट एक्सटेंट अ कल्चर प्रोग्राम इट्स मेंबर्स टू फील इधर अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल इन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। अनस्ट्रक्चर्ड जो होती है वो अनएम्बिगुअस होती है, चीज़ों का पता ही नहीं होता कि कल क्या होना है। तो अनस्ट्रक्चर सिचुएशन में सोसाइटी के मेंबर्स कैसे ऑपरेट करते हैं? पीपल इन अनसर्टेनिटी अवॉइडिंग कंट्रीज आर मोर इमोशनल एंड मोटिवेटेड बाय इनर नर्वस एनर्जी। द ऑपोजिट टाइप अनसर्टेनिटी एक्सेप्टिंग कल्चर्स आर मोर टॉलरेंट ऑफ ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर यूज्ड टू। अब देखें, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है और दूसरे लोगों का एटीट्यूड उनसे टोटली डिफरेंट होता है। पीपल विद इन दीज कल्चर्स आर मोर प्रैग्मेटिक एंड कॉन्टेम्पलेटिव एंड नॉट एक्सपेक्टेड बाई देयर एनवायरमेंट टू एक्सप्रेस इमोशंस। अब इमोशनल लेवल पे भी जो अनसर्टेनिटी अवॉइड करते हैं और जो अनसर्टेनिटी अवॉइड नहीं करते, उन दोनों की डायमेंशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे हमारी डिस्कशन जा रही है, मैं आपको उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता। सो पुटिंग थिंग अगेन वेरी सिंपली, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में क्या है कि कोई सोसाइटी अनसर्टन चीज़ को कितना एक्सेप्ट करती है। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, कुछ सोसाइटीज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होती हैं। सो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, वैल्यूज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन आर थ्रिफ्ट एंड प्रजर्वेंस। थ्रिफ्ट फ्रेगाइल या वो जिसको हम कंजूस कहते हैं। वैल्यूज एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन आर रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशंस एंड प्रोटेक्टिंग वन्स फेस। Both the positively and the negatively rated values of these dimensions are found in the teachings of Confucius or जो हमारी previous teachings हैं, the most influential Chinese philosopher who lived around 500 BC. However, the dimension also applies to countries without a Confucian heritage. अब देखिए, Confucianism एक कल्चर है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सिंपली क्या है कि कोई सोसाइटी और उसके मेंबर्स एक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कितनी लॉन्ग टर्म कुर्बानी दे सकते हैं, या एक लॉन्ग टर्म फायदे के लिए कितनी शॉर्ट टर्म कुर्बानी दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल उनकी सोच होगी। उसके साथ भी कुछ अदर कल्चरल डायमेंशन भी हैं। हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर हम कहते हैं एग्जिस्ट व्हेन एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स द सेम विजन एंड वेयर दे ट्रस्ट एंड वैल्यू ईच अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कि ओवरऑल हम सब एक हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर में काम कर रहे हो, हमारा विजन सेम हो और हम एक दूसरे पे हाईली ट्रस्ट कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिव वर्क कल्चर, अ कंस्ट्रक्टिव कल्चर इज डिफाइंड सिंपलिस्टिकली एज वन ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेशन, वैल्यूइंग पीपल। तो अब ये देखें कंस्ट्रक्टिव तामीरी, कि इसमें ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ना हो, हम खुद भी ऊपर की तरफ जाएं और लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। पावर क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, जस्टिस, बेनेवोलेंस, डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ हायरार्की एंड इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल्स एज लेजिटिमेट। पावर की एक डेफिनेशन ये भी तो है ना कि जो लोग बहुत ज्यादा हायरार्की में ऊपर हैं हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ओके। कैन डीजेनरेट इनटू इंट्रिग, पॉलिटिक्स एंड बैकस्टैबिंग। इसके कुछ जो पॉजिटिव जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं उनमें ये भी तो होता है ना कि जब कुछ लोगों के पास सारी पावर चले जाए तो बाकी फिर नेगेटिव तरीके से उस पावर को हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जस्टिस एंड एफिशिएंसी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ना हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है? इम्पर्सनल अज्यूम्स पीपल्स आर नॉट ट्रस्टेड। तो स्ट्रक्चर में एक सबसे अहम बात होती है कि ये इम्पर्सनल होता है,
आप लोगों के नाम लिखकर स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाते, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं पोजीशंस लेके। लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, वो पोजीशन वही की वही रहती है। अचीवमेंट है, सपोर्ट है, तो ये बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। सो वी विल क्विकली गो थ्रू इट। पीपल अलाइन टू द विजन और पर्पस ऑफ द कंपनी, सेल्फ सुपरविजन, हाई मोरल, टीम वर्क और एनर्जी, values larger than profit or growth can lead to arrogance, elitism, lack of cooperation. अब achievement की भी कुछ positive sides हैं और कुछ negative sides हैं. Then comes support. Support fosters warmth and caring. Open and doors of communication helps in greater understanding. People are not judgmental about each other. Support में सबसे अहम चीज होती है कि judgmental नहीं होते लोग दूसरे के बारे में, क्या सराहियां नहीं करते कि जनाब इसमें फलां इशू है, इसमें फलां इशू है. Values harmony and avoids confrontation. Cultures की हम बात कर रहे हैं तो कुछ जो बेसिक किस्म की चीज़ें हैं उनके हम डिफरेंट किस्म के कल्चर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे. ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं, जो हर काम में एक बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व कर दी जाती है, जिसकी वजह से बेशक काम बेशक हो ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे हो जाएं. फॉर्मेलिटी, रूल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हायरार्की, कि भाई आपने सेक्रेटरी साहब के पास एक फाइल भेजनी है तो यहाँ से वो फाइल मूव होगी, सबसे पहले वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, उसके बाद वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास, फिर डिप्टी सेक्रेटरी साहब उसको देखेंगे, साइन करेंगे अगर वो से एग्री होंगे, फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब के पास जाएगी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी साहब के पास, और फाइनली फिर उसको सेक्रेटरी साहब देखेंगे, और जब वो फाइल वहाँ से सेक्रेटरी साहब से साइन होकर आएगी तो फिर वापस भी इसी तरतीब से ही आएगी. तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, आप इसको चेंज भी नहीं कर पाते. आप उस काम को, उस वे, अगर वो काम मोस्ट अर्जेंट भी हो तो ये तरीकाकार यही रहेगा. हम कहेंगे कि काम लेट होता है तो हो जाए, लेकिन तरीकाकार जो है वो यही है, हायरार्की के साथ काम होगा. क्लैन कल्चर, क्लैन कल्चर में चीज़ें रिटनली डिफाइंड नहीं होती लेकिन ट्रेडिशंस होती हैं, लॉयल्टी होती है, पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, हाई लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, लोग आपस में सोशली बड़े कंफर्टेबल होते हैं, वो रिटन एसओपीज पे काम नहीं कर रहे होते, वो वैसे ही एक दूसरे के साथ इतनी अदब मोहब्बत एहतराम के साथ काम कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिस्टम चल रहा होता है. एंटरप्रेन्योरल कल्चर, हाई रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी, कि आप नए से नए आइडियाज़ पे बात करते हैं, नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. और क्रिएटिविटी के साथ जब भी हम कोई नया काम करते हैं जिसके बारे में प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसके साथ ऑफ कोर्स रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. मार्केट कल्चर, वो कल्चर जो मार्केट के साथ अटैच होता है, डिमांडिंग गोल्स लाइक सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारा दिन यही बात हो कि कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, मार्केट में हमारे कितनी प्रोडक्ट्स बिक गई हैं, वो एक मार्केट कल्चर की बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है. दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.